दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं पिछले करीब 18 सालों से 19 सालों से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि कैसे अपने बिजनेस को आपने इम्प्रूव करना है और कैसे आपको मंच पर आके लोगों को एड्रेस करना है, संबोधन करना है हिंदी इंग्लिश के अंदर। इन कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप ज़रूर कॉल करना। और आज का हमारा विषय है कि कैसे आप अपने बैंक से अगर आपके पास करंट अकाउंट है, आपके पास पैसा पड़ा होता है, आप लाखों रुपये अपने बैंक से कमा सकते हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है और मैं कमाता हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने करंट अकाउंट में, मैंने आपको कहा करंट अकाउंट, यस करंट अकाउंट से आप लाखों कमा सकते हो अगर आप थोड़ी सी समझदारी करेंगे। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप अपने बैंक से, करंट अकाउंट से आप लाखों कमा सकते हैं, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपका बैंक जो है वो होना कहाँ चाहिए। देखिए, बैंक का आपके घर या ऑफिस के पास होना ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस थोड़ा छोटा है तो आप अपने घर के पास रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका धंधा जो है, बिजनेस जो है वो बड़ा है तो आपका बैंक जो आपके ऑफिस के ही पास में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, बैंक में जाने की मालिक को जरूरत ही नहीं पड़ती, आपके एम्प्लॉयज़ को ही जाना चाहिए, लेकिन तब भी बैंक जो है आपके ऑफिस के पास हो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि हम लोगों ने कौन सा बैंक चूज़ करना है, क्या वो नेशनलाइज होना चाहिए या वो प्राइवेट होना चाहिए, इंटरनेशनल बैंक होना चाहिए। आपके नेशनलाइज बैंकों में बहुत सारे बैंक है, आपका कैनरा बैंक है, SBI बैंक है, यूको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ऐसे करके लंबे से बहुत सारी लिस्ट आ जाती है आपके साथ पास। आपके प्राइवेट बैंक में आता है आपका एक्सिस बैंक है, HSBC बैंक है, IDBI बैंक है, आपका ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ऐसे करके बहुत सारे आपके प्राइवेटाइज बैंक है। फिर उसके बाद आता है आपके इंटरनेशनल बैंक, जिसमें आता है आपका HSBC है, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, ऐसे करके लंबी सी लिस्ट इंटरनेशनल बैंक्स की भी है। आपको डिसाइड करना है आपको कौन से बैंक के अंदर अपना खाता खोलना है। अब हम लोग डिबेट करते हैं कि कौन सा बैंक आपके लिए ठीक रहेगा, क्या आपके नेशनलाइज बैंक या आपके पास प्राइवेट बैंक या इंटरनेशनल बैंक। सबसे पहले हम लोग नेशनलाइज बैंक को लेते हैं। नेशनलाइज बैंक में बैंक बहुत सारे हैं, लेकिन नेशनलाइज बैंक में जो मुझे लगता है जो इस समय अच्छे जा रहे हैं उनमें, हाँ नो डाउट, SBI बहुत अच्छा कर रहा है। SBI के पास बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, बहुत सारे, सब कुछ उनका इन हाउस है, कुछ भी उनका आउटसोर्स नहीं है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है SBI बैंक के लिए, सब कुछ है उनके पास, सारे के सारे वर्टिकल्स हैं, कोई भी चीज़ उन्होंने बाहर से नहीं ले रखी है। टेक्नोलॉजिकली ये लोग बहुत अपग्रेडेड हैं, लेकिन अभी भी छोटे छोटे कामों के लिए, अगर आपको चेक डिपॉजिट करना है, आपको DD बनवाना है, आपको कैश डिपॉजिट करना है, कैश विड्रॉ करना है, तो SBI में, क्योंकि मैन पावर कम है इसलिए SBI में टाइम लगता है। SBI के अलावा आप नेशनलाइज बैंक में आप कैनरा बैंक ले सकते हैं। कैनरा बैंक अपने आप को बहुत ज़बरदस्त अपग्रेड कर रहा है। देखिए, बैंक वो होना चाहिए जो कि डिजिटली अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर चुका हो। आपको एज ए ओनर, मैंने आपको कह के चुका हूं, आपको एज ए ओनर बैंक में नहीं जाना है। बैंक में जाना जो है वो बैंक के लिए भी एक्सपेंसिव और आपके लिए टाइम का वेस्टेज भी है। आजकल सब कुछ, मैं कहता हूं सब कुछ आपके मोबाइल से होता है, सब कुछ आपको मोबाइल से करना सीखना है। अगर आप नहीं करते तो आप गलती कर रहे हैं। मोबाइल के अंदर आपके लाखों करोड़ रुपए आप लेन देन कर सकते हो, इट्स ऑल सेफ। मैं भी आता हूं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका मोबाइल बैंकिंग सेफ है, लेकिन सबसे पहले आपको बात कर रहा था कि नेशनलाइज बैंक कहां कहां पर ठीक है। तो नेशनलाइज बैंकों में मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं कि सर्विसेज को लेकर ये लोग हमेशा पुअर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। SBI की सिर्फ एक सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो यही है कि इनके पास मैन पावर कम है और इनके यहाँ पर अभी भी अगर आप कोई काम मैनुअली कराना चाहते हैं तो बहुत टाइम लगता है। टेक्नोलॉजिकली ये लोग बहुत एडवांस है, ठीक है, लेकिन SBI से जो मैंने आपको बात करी थी कि आप लाखों कमा सकते हैं, आप नहीं कमा सकते। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आपके प्राइवेटाइज बैंक में। प्राइवेटाइज बैंक में जो सबसे अच्छे बैंक जा रहे हैं उनमें एक्सिस बैंक है, आपका HSBC बैंक है, ICICI बैंक है, आपका कोटक महिंद्रा बैंक है। प्राइवेट बैंकों का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो चुकी है। वो जो नेशनलाइज बैंकों में अभी तक वो पासबुक, वो कैश की एंट्री, वो कैश डिपॉजिट, वो विड्रॉवल्स, वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जितने भी प्राइवेट बैंक हैं इनमें पासबुक और ये कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, ये बहुत कम हो चुका है। तो ये अपने आप को टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कर चुके हैं। अच्छा, नेशनलाइज बैंक का एक और फायदा भी है कि इनकी ब्रांचेस हद पार है इनकी ब्रांचेस। आपको टाउन में मिल जाएंगे, आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिल जाएंगे, आपको छोटे टाउन में मिल जाएंगे, आपको छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में आपको इनकी ब्रांचेस मिल जाएंगी। ये इनका फायदा है। अच्छा, वहीं पर जैसे वो आपके इंटरनेशनल बैंक है जो मैंने आपको बताया था, सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, HSBC बैंक है, ये जो बैंक है ये हमेशा इलीट क्लास से काम करते हैं, जिनके पास कम से कम 10, 15, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का इनके पास डिपॉजिट होता है। इन बैंकों से काम करने का फायदा है, अगर आप इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा हो, अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा है, बाकी कंट्रीज में काम आपका है, या आपको बहुत अच्छी, आप क्लास में उठते बैठते हो, बहुत अच्छा आपका धंधा है, तो इन बैंकों से काम करने पर आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिलती है।
इंटरनेशनल बैंकों से काम करके और बहुत सारे फायदे हैं। एक, इनका स्टाफ हाईली प्रोफेशनल होता है, इनसे कोई भी बात अगर आप कम्युनिकेट करते हैं वो काम बहुत जल्दी होता है। और नंबर टू, ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस होते हैं, बहुत ज़बरदस्त एडवांस होते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, आपकी यानी कि फ़ोन बैंकिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी काम कराना हो बहुत आराम से घर में बैठकर रात के 12 बजे अपने अपने ऑफिस से बैठ करके आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी कारण से इंटरनेशनल बैंक्स की जो ब्रांचेज होती हैं बहुत कम होती हैं। वो चाहते भी नहीं कि आप वहाँ पहुँचें, वो चाहते हैं कि आप बड़े आराम से ऑफिस में बैठ करके लाखों करोड़ रुपये के धंधे आप कर सको इंटरनेट से, मोबाइल से। तो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। अगर आपका धंधा अच्छा है तो यहाँ पर जाके आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स इनके अपने होते हैं। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये बैंक जो है एक्चुअली में, दरअसल ये लोग कमाते कैसे हैं। मेजरली ये लोग तीन जगह से कमाते हैं। सबसे पहले, जो भी आप अपना पैसा इनको डिपॉजिट करते हो, आपको ये इंटरेस्ट देते हैं 3%, 4%, 5%, 6%, 6.5%, 7% तक मैक्सिमम ये देते हैं आपको पैसा। और ये पैसा ये लोग बाकी और बैंकों को या और इंस्टीट्यूशंस को ये लोग उधार में देते हैं, लोन पे देते हैं, जहाँ से ये लोग 8%, 8.5%, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, कई बारी तो 18% तक। और क्रेडिट कार्ड में अगर आप EMI लगवाते हैं तो आपके पास 24%, 36% तक आपको ह्यूज उसी पैसे को ये लोग आपको उधार देके वहाँ से ये लोग इंटरेस्ट में कमाते हैं। तो पहला तो हो गया यहाँ से। नंबर टू, वो सारी की सारी फीस जो है, अगर आप ATM से विड्रॉ करते हो, आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, क्या आप जानते हो आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं क्या आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हैं? आपको हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन बैंकों की दूसरी सबसे बड़ी कमाई होती है वो पैसा जो आप लोग डिपॉजिट करते हो, जो लिमिट इन्होंने बांध के रखी है। क्योंकि ये बैंक नहीं चाहते कि आप लोग बार बार आके बैंकों में पैसा जमा कराएं। तो जब भी आप उस लिमिट से बियॉन्ड, मान लीजिए एक बैंक ने कह रखा है आपको, उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, उसमें कई बारी लिखा होता है कि करंट अकाउंट में आप 4 या 5 बारी से ज़्यादा एक महीने में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो तो ये आपके ऊपर फीस के चार्ज लगाते हैं। अगर आप पेपर स्टेटमेंट लेते हो तो उसके चार्ज लगते हैं। ATM से पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट करते हो तो उसके चार्जेस हो सकते हैं। अगर आप ओवरड्राफ्ट लेते हो तो उसके चार्ज होते हैं। तो इनके तरह तरह के चार्जेस होते हैं। तो ये लोग, इनकी जो कमाई के दूसरा मेजर जो सोर्स है वो है फीस के तरीके से। तो आपको बैंकों को सिलेक्ट करते हुए ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा करते हो उसकी फीस आपको यूजली नहीं लगे, या लगे तो कम से कम लगे। इसके बारे में जब भी आप कोई बैंक लेते हो तो उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ढंग से पढ़ो। एक दो शीट्स होती हैं चार्जेस की, वो एक दो शीट्स को अच्छे ढंग से पढ़ो। आपने वही वाले चार्जेस जो आपको लग सकते हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन जो आप सबसे ज़्यादा करते हैं उसके बाद चार्जेस या तो ना हो, तो कम से कम हो। अच्छा, और तीसरी जगह जो ये लोग कमाते हैं, ये बैंक वो करते हैं, ये लोग कमाते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, यानी कि स्टॉक में, सिक्योरिटीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट करवा के वहाँ से अपनी फीस से, अपनी कमीशन से ये लोग वहाँ से कमाते हैं। तो जब भी आप स्टॉक में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो पूरा देखिए कि आपकी कमीशन जो है वो कम से कम होनी चाहिए। ये कमीशन इंट्राडे करते हो या इंटरडे करते हो तो उसके बाद कमीशन होती है। तो इनकी कमीशन जो इंट्राडे, इंटरडे और साथ में जो इनके एनुअली जो इनके चार्ज होते हैं वो न के बराबर होने चाहिए। सब बैंकों का अपना है, जितना ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करोगे उतनी ही फीस आपकी कम लगेगी। आपको सबके रेट पता होने चाहिए, सब बैंकों के रेट पता कीजिए, उसके बाद ही जाके आपको इंट्राडे या इंटरडे करना चाहिए, राइट? चलिए, अब मैं आपके बहुत ही फेवरेट टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ कि कैसे आपने अपने पैसे को बनाना है, मल्टीप्लाई करना है, और कैसे आप करंट अकाउंट के अंदर भी आप लाखों रुपए कमा सकते हो। मतलब की बात है, आप सुनिएगा। आप लोग देखिए, आपका पैसा जो है, जो बैंक के अंदर होता है, उसको आप, उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसी ढंग से अगर आप लोन लेने जाते हो तो उसके ऊपर आपको कम से कम इंटरेस्ट देना है। अगर आपका कार लोन है, होम लोन, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, इसलिए यूजली आपको मिल जाता है 8.5% पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो आपको बैंक में जाते हुए ये नेगोशिएट जरूर करना है कि आपका जो लोन है वो कम से कम रेट पर हो। और ये जितने भी बैंक हैं ये नेगोशिएट करते हैं। हाँ, इनके पास सौदेबाजी होती है, ये 10 कहेंगे तो 9.5, 9.75 पर आ जाते हैं, 8.5 पर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने नेगोशिएट जरूर करना है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आपके जो पैसा आप डिपॉजिट करते हो। क्या आप जानते हैं, यूजली आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको सब के सब नेशनलाइज बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं या इंटरनेशनल बैंक भी, आपको कितना देते हैं? ये लोग देते हैं आपको 3, 3.5, 4% ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, जो आपको 1,00,000 रुपए तक, अगर आप उससे नीचे नीचे अमाउंट रखते हो तो आपको 5% मिलता है इंटरेस्ट का।
और अगर आपका जो अमाउंट है, डिपॉजिट जो है सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख से ऊपर जाता है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 6% का, ये कोई और बैंक नहीं देता। अच्छा, फिर अगर आप करंट अकाउंट में हो तो क्या आप जानते हैं करंट अकाउंट में आपका जितना भी पैसा 50,000 के अबव डिपॉजिट होता है उसके ऊपर सिर्फ इंडिया में 2 ही ऐसे बैंक हैं जो ऑटो स्वीप देते हैं, जो आपको आपके करंट अकाउंट में 50,000 से अबव जितना भी पैसा होता है उसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है उठा के उसका FD बना देता है, ऑटो स्वीप करके FD में डालता है। FD होता क्या है? FD के अंदर आपको जा करके पेपर को साइन करना पड़ता है जिसके कारण से आपका पैसा FD बनता है। लेकिन ऑटो स्वीप इसको पहले ICICI बैंक दिया करता था, अब से करीब 15 साल पहले, जो कि अब नहीं देता। कोटक महिंद्रा बैंक ये एस्टेब्लिश हुआ था 2003 में, इसको लाइसेंस मिला है। 15 सालों में इनकी 1400 ब्रांचेस हो चुकी है। मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाली इस बैंक से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये वो बैंक है जो आपको सेविंग्स में भी और करंट अकाउंट में भी, आपको करंट अकाउंट में पैसा जितना भी डिपॉजिट होता है ये ऑटोमेटिकली जो इनका कंप्यूटर है आपका पैसा उठा लेगा और उठा के उसको FD में डालेगा। जैसे आप चेक काटोगे, जैसे आप IMPS करोगे, आप RTGS करोगे, आप NEFT करोगे, ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए, बिना कुछ पैसे को पेपर को साइन किए हुए पैसा अपने आप वहाँ से हट करके आपके FD से उठा करके आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जैसे ही वो आपके FD से कट करके वहाँ पर आएगा उसके जितने भी दिन का, जितने भी महीने का, जितने भी साल का वो पैसा वहाँ पर डिपॉजिट होगा आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट के ऊपर 2 फायदे आपको हैं। नंबर 1, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको करीब 6.6% का इंटरेस्ट मिलता है जो कि FD का इंटरेस्ट होता है। और साथ में हाँ मैं मानता हूँ इंडोसेंट बैंक एक और है जो कि आपको 7.6% इंटरेस्ट देता है, लेकिन इंडोसेंट बैंक जो है आपको जब भी आप ऑटो स्वीप पे पैसा वहाँ से निकालते हो तो 1% काटता है, और आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये 6.6 भी देता है, और 6.6 के अंदर आपका पैसा बिल्कुल नहीं कटता अगर आप जब भी अपनी ऑटो स्वीप से यानी कि आप FD तोड़ते हो, जो ऑटोमेटिकली FD टूटती है उसके ऊपर 1% काटता भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न आपको कोटक महिंद्रा मिलता है। फिर कोटक महिंद्रा के पास अपने बहुत सारे वर्टिकल हैं। ये वर्टिकल की बात मैंने आपको पहले भी की थी। देखिए वर्टिकल जिस बैंक में सबसे ज्यादा वर्टिकल होते हैं, इनके पास अपने म्यूचुअल फंड हैं, इनके पास अपनी इंश्योरेंसेस हैं, इनके पास लाइफ इंश्योरेंस है, इनके पास टर्म डिपॉजिट हैं, इनके पास हर चीज है, सारे वर्टिकल इनके अपने हैं, ये आउटसोर्स इन लोगों ने नहीं कर रखा। तो जिस भी बैंक के अंदर वर्टिकल जितनी सुविधाएं इनकी अपनी होती हैं उतना फायदा होता है, जो कि इंडोसेंट बैंक के पास नहीं है। इनके पास ये सारे वर्टिकल्स अपने नहीं है, ये लोग आउटसोर्स करते हैं। तो ये एक और रीज़न है मैं आपको कहूंगा कि कोटक महिंद्रा इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंक। और मैं आपको बता दूं, इंटरनली बता रहा हूं मैं आपको, जाके आप किसी को बता सकते हैं, ये तो ओपन बुक है, कि मैं हर साल लाखों रुपये, क्योंकि मेरा पैसा बचा होता है 50,000 से अब जाता है और पड़ा रहता है वहाँ पर, मैं हर साल लाखों रुपये सिर्फ इंटरेस्ट के करंट अकाउंट से कमाता हूँ। और आप भी कमा सकते हैं अगर आपका पैसा होता है और आपका करंट अकाउंट है तो आप करंट अकाउंट से पैसा कमा सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको बैंक को रखना है समझदारी से, जिस जगह पे जिस चीज़ में आप डील करते हो उसके हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि आप ज़्यादा करते हो वहाँ पर आपके खर्चे कम होने चाहिए, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए, और अगर आप लोन लेते हो तो आपका इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए। ये सब बातें आपको पता हो, इससे आप बैंकों से फायदा उठा सकते हो और चाहे स्मार्टली काम करें तो आप लाखों कमा भी सकते हो। तो दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर आप स्मार्टली काम करें तो आप पैसा कमा सकते हैं, और अगर स्मार्टली काम करें तो अपने खर्चों को बचा सकते हैं। आप अपने रुपए को कितनी बार एक दिन में रिवॉल्व करते हो, कितनी बार उसको घुमाते हो, इसी में समझदारी होती है, धंधा इसी को कहते हैं। चलिए लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आप इन बिजनेस कोर्स को या पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और साथ में अगर मेरी ये वीडियोस आपको चाहिए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप जरूर क्लिक कीजिएगा, और साथ में उसके जो बेल आइकन है ब्लैक कलर का उसको हिट करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जो लाइक बटन है उसको जरूर आप कीजिए हिट, और साथ में इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने व्यापारी दोस्तों के साथ में। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, गुड नाइट।